हेलो क्लास टेन मेरिट यार्ड का चुक बैच में आप लोग का स्वागत है। मैं राजीव आप लोग के बीच एक क्लास टेन का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं और ये जो चैप्टर है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है और इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बातों को समझते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को मिलना क्या क्या मिलने वाला है, यानी हम लोग क्या क्या इस वीडियो के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या परिचय, यानी ट्रिग्नोमेट्री का परिचय देंगे हम कि ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे, फिर इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी को जानेंगे, फिर पूर्व कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे, फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमिका और इसके बाद त्रिकोणमिति का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी उसके अनुप्रयोगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों को जानने से पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। मान लो क्या है, देखिए सबसे पहले कुछ जान लेते हैं। कभी कभी आप देख रहे होंगे इस तो महाशय को समझ जान ही रहोगे, ये महाशय कौन है और ये क्या है। महाशय है क्या कि आराम से एक पेड़ के नीचे क्या है, आराम से खड़े हैं और चुपचाप देख रहे हैं, एक टावर को देख रहे हैं। टावर हो सकता है, मीनार हो सकता है, मतलब ये महाशय क्या है, एक मीनार को देख रहे हैं, एक छत को देख रहे हैं या फिर एक भवन को देख रहे हैं। अब वो चाहते हैं आराम से बैठे बैठे, बहुत आलसी इंसान है, हालांकि ऐसे आलसी इंसान नहीं है लेकिन जैसा इनका अभी करतूत दिख रहा है शायद लग रहा है कि बहुत आलसी इंसान है। शायद वो क्या सोच रहे हैं कि बैठे बैठे क्या शायद वो मापना चाह रहे हैं, लेकिन ये आलसी नहीं है, ये क्या करना चाह रहे हैं, वो मेजरमेंट करना, मैथमेटिक्स का ट्रिक अप्लाई करने वाले कि कैसे हम इसको बैठे बैठे इसका हाइट कैसे मेजर कर ले। या फिर सेकेंड फिगर में देखिए, ये महाशय पहुंच गए कहां, बिल्डिंग के पास, बिल्डिंग पर छत पर पहुंच गए। अभी क्या करें, नीचे देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं कि भाई इनका एक गाड़ी है पेड़ के नीचे लगा हुआ है। अभी महाशय सोच रहे हैं कि भाई ये जो मेरा जो गाड़ी जो खड़ी है हमारे घर से कितनी दूरी पर खड़ी है, यानी फिगर फर्स्ट में देख रहे हैं। महाशय क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे आराम के पेड़ के नीचे एकदम आराम से खड़े हैं और क्या देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं। और महाशय चाहते हैं कि इसका टोटल हाइट हम क्या कर लें, इसका माप लें कि इसका हाइट क्या होगा। या फिर ये महाशय सेकेंड फिगर में देखिए, ये महाशय छत पर खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, अपने खड़ी गाड़ी को देख रहे हैं। गाड़ी तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो खड़ी गाड़ी को देख रहे हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं कि ये आपके भवन से, यानी अपने भवन से गाड़ी का कितना दूरी पर है ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों जो फिगर, यानी यहां हाइट निकालने का कॉन्सेप्ट और यहां पर दूरी निकालने का कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स का जिस कॉन्सेप्ट से करते हैं भाई उसी को बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो जी हाँ, हम लोग क्या करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल इस तरह का प्रॉब्लम को क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं कि हम कैसे बैठे बैठे किसी भवन, किसी मीनार या किसी केबल टावर की बैठे बैठे कैसे हम उसका हाइट फाइंड करें। या फिर अगर वह मीनार पर या छत पर या भवन पर खड़े हो गए और रोड के किनारे क्या कुछ गाड़ी चल रही है या बहुत कुछ वो कोई वस्तु है नीचे, और आराम से खड़े खड़े क्या करना चाहते हैं, देख कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई उसका दूरी, उससे मेरे घर की दूरी क्या है, ये फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम लोग इसी तरह का प्रॉब्लम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग की कुछ छोटी छोटी बात को क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा। और जो समझेंगे सबसे पहले, देखिए यहां अभी बताएं कि ये दोनों, मतलब फिगर फर्स्ट और फिगर सेकेंड को मेजर करना है, एक में हम लोग को हाइट मेजर करना है और एक में क्या हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो जब हाइट एंड डिस्टेंस जो मेजर करना है तो मैथमेटिक्स का जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हाइट एंड मेजर फाइंड करने के, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। यानी देखिएगा थोड़ा सा पीछे देखिएगा, यहां पर देखिए, तो इस केस में अगर हाइट मेजर करना है, सबसे पहले इस फिगर का हाइट मेजर करना है, तो अपने आई से एक क्या है, हॉरिजॉन्टल है और इसको बोलते दृष्टि रेखा है, ये क्या है, दृष्टि
रेखा जिसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, ये मान लीजिए कि आई से एकदम बिल्कुल पैरेलल आई से, तो क्या है ये बैठे ये क्या करे महाशय क्या देख रहे हैं, इसका टॉप को देख रहे हैं, इसका ये है तो देख रहा है, देखा जा रहा है कि इसके आई से ऐसे ट्रेंगल बन रहा है, वो भी कैसा ट्रेंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो कैसा ट्रेंगल दिख रहा है, समकोण, एक राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, यानी समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यहां पर देखिए इस महाशय को, एक यहां पर खड़े हैं, इनका गाड़ी यहां पर खड़े है। अब देखो यहां देखो तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये भवन परपेंडिकुलर है या तो सीधा, क्योंकि भवन है तो सीधा ही होगा भाई, और ये भी महाशय सीधा ही खड़े हैं, दिख भी रहे हैं। अब क्या है यहां भी क्या दिख रहा है, एक ट्रेंगल जैसा शेप दिख रहा है, यानी ये भी कैसा ट्रेंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल ही दिख रहा है। यानी हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन के यानी क्या है, कुल मिलाकर समकोण त्रिभुज, लेकिन सबसे पहले क्या है त्रिभुज है, सबसे पहले क्या है त्रिभुज। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, यानी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही होगा ये, यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जैसा कि वर्ड दिख रहा है त्रिकोणमिति, यानी यहां पर हम क्या करने वाले हैं, त्रिकोणमिति का जो क्या इंग्लिश वर्ड क्या, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, और क्या ये तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जी हाँ, ये जो त्रिकोणमिति है ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या थ्री ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जो पहला जो ग्रीक वर्ड है उसको क्या ट्राई है, दूसरा क्या गोण है, और तीसरा क्या मेट्रोन है। ट्राई का अर्थ होता है तीन, ट्राई का अर्थ क्या होता है तीन होता है, गोण का होता है भुजा, और मेट्रोन का क्या होता है मेजरमेंट, यानी तीन भुजाओं का मापन। यानी हम लोग क्या करेंगे इस अध्याय में, हम लोग क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज लेंगे, और उस समकोण त्रिभुज जब होंगे तो इसमें क्या होंगे तीन एंगल होंगे, और तीन क्या होंगे साइड होंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे तो तीनों साइड्स का मेजरमेंट करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा यानी एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो समझ में आ गया क्या है ट्रिग्नोमेट्री, तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला जो ग्रीक वर्ड है ट्राई है, दूसरा क्या है गोन है, और तीसरा क्या है मेट्रोन है। ट्राई का अर्थ होता है तीन, मेट्रोन का अर्थ होता है क्या, सॉरी ट्राई का अर्थ होता है क्या तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी तीन भुजाओं का मापन। तो देखिए यहां पर त्रिकोणमिति का पूर्ण अर्थ तीन भुजाओं का माप होता है, जैसे भी बताएं। अब सुनिए ये जो त्रिकोणमिति का अवधारणा का जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ले आए थे, त्रिकोणमिति का सबसे पहले कॉन्सेप्ट वो थे कौन सा, क्या हिप्पाकस, हिप्पाकस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लेकिन हिप्पाकस जो था इस क्या किए थे त्रिकोणमिति के बारे में बोले थे, लेकिन एक्चुअली कहा जाता है जो हमारे महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, जनरली जो शून्य का आविष्कार करने वाले थे, उसने क्या साइन और कॉस के रिलेशन के बारे में बहुत पहले ही बोल दिए थे, लेकिन उसके पास उनके बाद क्या हिप्पाकस ने क्या किया ट्रिग्नोमेट्री को एक ट्रिग्नोमेट्री और नाम दिए, और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को क्या किए आगे बढ़ा दिए। तो क्या है त्रिकोणमिति, देखिए डिफिनेशन क्या है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। यानी हम लोग यहां भुजा का तो मापन करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे साइड्स का मेजरमेंट, यानी भुजा का हम क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे यहां पर। तो चलिए कैसे हम करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम बताएं क्या बताएं कि यहां पर जो हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं किस ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज के बारे में, यहां जानेंगे किसके बारे में समकोण त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज कहते किसको है, समकोण त्रिभुज कहते किसको है, तो भाई सबको पता ही होगा वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो समकोण हो, और दो कोण होंगे वो दोनों कोण क्या होंगे न्यून कोण होंगे, उसे क्या बोलेंगे समकोण। तो जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब आपको पता है जब समकोण त्रिभुज हो गया तो यहां पर पाइथागोरस तो आएंगे ही, क्योंकि पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है क्या है, क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, एक कॉन्सेप्ट यहां भी लागू करने वाले हैं। लेकिन समझेंगे कि हम कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, और आधार किसको बोलेंगे। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज लिया गया एबीसी, क्या है समकोण त्रिभुज है जिसका बी क्या है 90 डिग्री है। अब सुनिए
इस समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली यानी जो 90 डिग्री बना, इस 90 डिग्री के जस्ट सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते किससे? एच से। यानी एच क्या है? एसी है। और याद रखिएगा जो कर्ण होती है क्या, सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। समकोण के यानी समकोण यहां पर है, 90 यहां पर है, जस्ट इसके सामने के भुजा हो गया। अब आते हैं बेस। बेस यहां पर, इसको बेस है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये आधार है। क्या है? आधार है। आधार यानी बीसी यहां पर क्या है? आधार है। देखिए आपको बताए थे ये तो 90 होगा, लेकिन ये दोनों क्या होगा? न्यून कोण होगा। न्यून कोण दैट मीन 90 डिग्री से इसका वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। यानी क्या है, ये एंगल है, ये न्यून कोण है यानी, और ये 90 है यानी न्यून क्या है, न्यून ए आपका क्या है, न्यून कोण यानी बेस कोण होगा। न्यून कोण से संलग्न भुजा यानी न्यून कोण यहां पर, इसके संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और परपेंडिकुलर यानी न्यून कोण, न्यून कोण यहां बना, इसके जस्ट सामने के भुजा को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। यानी परपेंडिकुलर दैट मींस लंब। यानी क्या होगा, जहां समकोण बना उसके सामने के भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। याद रखिएगा जहां 90 बनेगा उसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण होगी, फिर जहां न्यून कोण है, न्यून कोण की संलग्न जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। और न्यून कोण के जस्ट सामने की भुजा संलग्न, तो ये मतलब जुड़ा हुआ, संलग्न का तो मतलब जुड़ा हुआ, तो जुड़ा हुआ जो भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और उसके जस्ट सामने की भुजा यानी यहां पर न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ठीक है, बात तो बिल्कुल क्लियर यहां तक है। आपके मन में थोड़ा डाउट भी चल रहा होगा, सर अगर यहां भी न्यून तो ये भी तो न्यून कोण है। हाँ जी हाँ, न्यून कोण है। तो आपको यहां देखिए, अगर न्यून कोण यहां लेते हैं, आप इस पॉइंट पे ए को लेते हैं, तो इसके सामने के भुजा आपका बीसी, तो इस केस में बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अभी बोले क्या है, लंब किसको बोलते हैं? न्यून कोण की सम्मुख सम्मुख भुजा। अगर आप एंगल यहां लेते हैं, अगर इसको आप न्यून कोण ए को बोलते हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? बीसी। अब बीसी क्या है, जो सम्मुख भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? लंब। और इसके संलग्न भुजा क्या बोलते हैं? आधार। अगर आप यहां लेते हैं तो ए बी इसका क्या हो जाएगा? आधार। और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करेगा। तो एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखे, जहां एंगल लेंगे, जहां एंगल लेंगे उस एंगल के जस्ट सामने की जो भुजा होगी वो आपका लंब होगी, और उसके साथ जो संलग्न भुजा होगी वो आधार होगी, और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भुजा होगी क्या होगी? वो होगी कर्ण होगी। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा ये चीज, ये कॉन्सेप्ट बहुत, क्योंकि एक्सरसाइज जो 8.1 है यहां पर वो इसी से रिलेटेड है। ध्यान से बारीकी से हम लोग क्या पढ़ना है यहां कि कौन एंगल लिया गया। ठीक है, अब आते हैं, देखिए जहां बताए एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण तथा दो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पाइथागोरस। क्या है पाइथागोरस, फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। है पाइथागोरस तो क्या है, मान लीजिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस किसके लिए होता है? एक समकोण के लिए होता है। एबीसी क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज है, जिसका बी क्या है? समकोण है। तो आपको पता है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज किसमें? एबीसी में। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा? ए आपका क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होता है पाइथागोरस बाबू? बता दो, तुम लोग सबको पता होगा ये तो बात, क्योंकि इसको तो हम लोग प्रूफ भी किए थे कुछ दिन पहले। ये क्या होगा? एसी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिखें तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी क्या है, क्योंकि आप अगर एंगल यहां लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल सी, अगर न्यून कोण लेते हैं तो एबी आपका क्या होगा? लंब हो जाएगा। यानी लंब का स्क्वायर और बीसी क्या है? आधार का स्क्वायर। यही तो है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। तो हम लोग क्या करेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज भरपूर करने वाले हैं पाइथागोरस।
क्योंकि भाई अभी हम बताए कि हम लोग को पढ़ना है किसमें है, समकोण त्रिभुज में पढ़ना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जनरली किसके लिए अप्लीकेबल होगा, समकोण के लिए होगा, क्योंकि अभी देखे कि बाबू को क्या करना था, मापना था, जब मापना था तो वो क्या कुए? वो कैसा ट्रेंगल दिख रहा था, एक समकोण जैसा दिख रहा था, तो भाई इनिशियल से ही क्या करा है, समकोण में है हम लोग को जाना, तो देख लीजिए तो समकोण त्रिभुज में अगर आते हैं तो भाई पाइथागोरस साहब तो इनका तो प्रमेय का तो यूज करेंगे ही, जैसा कि प्रमेय यहां दिख भी रहा होगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे इंपॉर्टेंट भाई फॉर्मूला, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात कितने, छ, कितने अनुपात हो गए, छ वाला साइन, जिसका हिंदी क्या होता है, जया, साइन के हिंदी क्या होता है, जया, फिर पढ़ेंगे कोसाइन जिसका हिंदी होता है कोजया, और टेंजेंट, टेंजेंट डेट मीन स्पर्श, और बाकी जो रेसिप्रोकल है कोजया, ठीक है, बाकी कोसेक है, सेक है और जो कॉट है, ये तीनों का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है। तो फर्स्ट है, देखो क्या है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे बाबू, समकोण त्रिभुज लेंगे, ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका बी क्या है, समकोण है। तो सुनो, हम किसको लेते हैं, किस एंगल को लेते हैं, इससे हम मेजर कर रहे हैं, एंगल सी को लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में जिसका बी क्या है, समकोण है, और सी क्या है, हम इसको न्यून को लेकर यानी इसी एंगल से हम करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात, हम लिखते हैं साइन थीटा, मैं थीटा यहां पर यानी थीटा हटा देते हैं क्योंकि ये जो दिख रहा है ना सी दिख रहा है, तो साइन वही चाहे रिप्रेजेंट ही कर देते अच्छा रहेगा थोड़ा सा सोल्यूशन करने में, एस सी लेके चले, तो यहां पर हम आएंगे साइन थीटा, साइन थीटा जानते हैं साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है, क्या पी बाई एच, यानी क्या होगा, यानी थीटा यहां पी परपेंडिकुलर, यानी ए बी बाई क्या होगा, ए बी बाई ए सी, यानी ए बी क्या यहां पर है बाबू, लंब है, क्या है, लंब है, और ये क्या है, ये आपका क्या है, कर्ण है, जिसको शॉर्ट में हम लोग पी बाई क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस एंगल से मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब एंगल सी को न्यून कोण लेकर लिए अभी हम हैं, अगर कहीं इसको लीजिएगा तो थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। अब सेकेंड कॉस थीटा, सेकेंड कॉस थीटा जानते हैं इसका रिलेशन किसका किसके साथ होता है, कॉस थीटा का बी बाई एच, तो आप इसको लिए हैं सी को लिए हैं, तो संगलन भुजा क्या होगी, बेस हो, या बेस कहलाएगी, यानी क्या बी सी बाई क्या होगा ए सी, यानी बी सी क्या है आधार है, क्या है आधार है, और ए सी क्या है कर्ण है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं शॉर्ट में बी बाई एच से, और तीसरा आपका क्या है टैन थीटा, क्या होता है पी बाई, यानी टैन यानी थीटा तो यहां है, यानी इसका रिलेशन किससे होता है पी बाई बी, यानी ए क्या किसके साथ होता है पी क्या है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी क्या होता है पी बाई बी। ये तीन तो मेन यही मेन तीन है। अब आते हैं चौथा नंबर देते हैं, याद रखिएगा ये तीनों, जब जो छ लिखने वाले बहुत अच्छे से इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, और ये भी साथ में याद कर लीजिएगा कि किसके साथ किस एंगल को ले करके हम पी बी, हम मान किस एंगल के साथ पी और बी लिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसको। कॉसेक थीटा, नेक्स्ट कॉसेक थीटा, जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी ए सी बाई क्या होगा ए बी। आप सुनो ना, यहां देखो ना, ए सी क्या है कर्ण है, और ए बी क्या है आधार है, यानी कह सकते हैं क्या होगा एच बाई पी। ये हो गया चौथा नंबर। अब यहां देखो ना पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्या आते हैं सेक थीटा, सेक थीटा जानते हैं किसके साथ रिलेशन रखता है, ए सी बाई बी सी के साथ लेगा, यानी ए सी क्या है बाबू, ए सी आपका है, ए सी है कर्ण, ए सी क्या है, ये देखिए कर्ण है, ए सी क्या है कर्ण है, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं कलर, मजा आएगा इसमें, ये आपका लंब है और ये क्या है आपका आधार है, ठीक है। अब देखो कर्ण बटा क्या होगा
बीसी क्या है? आधार होगा, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में निपटाते जानते कैसे है, एच बाई बी से। और एक लास्ट है सिक्स, ये जानते क्या, वो है कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा। अब जानते हैं कॉट रेसिप्रोकल किसका होता है? टैन का, यानी उठा के पटक दो एक बार टैन को, बस सीधा हो जाएगा। यानी बीसी बाई क्या होगा? ए बी। ए बाबू सुनो ना, बीसी क्या है? आधार है। बीसी क्या है? तो आधार है। और ए बी आपका देखो ना क्या है, लंब है। इसको जानते हो शॉर्ट में कैसे इसको बोलते हैं, क्या होता है? बी बाई पी होता है। यानी यही छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी यही छ जो है एक, इसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए तो अनुपात में सब है कि नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय। तो ए बाबू अच्छे से फार्मूला अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना, ताकि अगर ए याद नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं। फिर आप ट्रिग्नोमेट्री का टी तो समझ सकते हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे साइड्स का मेजरमेंट निकालिएगा, वो आप नहीं कर सकते हैं। और आपको हम फर्स्ट ही में बताए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तीन भुजाओं का मापन। यानी इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या करेंगे, मापन करेंगे। तो भाई अगर ये याद नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं तीनों भुजाओं का मापन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, और इसको बैठा करके बिल्कुल स्टोरेज अच्छे से कर लीजिएगा। अब सुनो यहां, ये तो बात हम लोग अच्छे समझ में, थोड़ा सा एक डाउट को क्लियर करते हैं। बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कि एंगल अगर यहां से ले, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, अगर एंगल यहां से ले ले तो थोड़ा सा सब चेंज कर जाएगा। अगर एंगल यहां होगा तो ये क्या हो जाएगा, ई, और ये क्या होगा, बी, और ये तो चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इतना सारा चीज एक्सरसाइज 8.1 बनाने के लिए सफिशियंट है, काफी है। अगर इतना चीज का नॉलेज मेरे पास है, बस एक फॉर्मूला का नॉलेज मेरे पास है, तो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग इजी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आते भी हैं। देखो यहां आ गया, बस ज्यादा कुछ नहीं, एक फॉर्मूला से, बस एक फॉर्मूला याद करो और जल्दी से क्वेश्चन 8.1 खत्म कर डालो। क्या है देखो, त्रिभुज क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आते हैं, क्या है त्रिभुज एबीसी में, जिसका बी क्या है, समकोण है। भाई देख लो समकोण है तो हम भी समकोण त्रिभुज करते हैं, दो करते हैं, चलो अच्छी बात है। ए भाई चलो आ जाओ, ए बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका बी क्या है, समकोण। देखा बोला है ना, अब क्या है इसका ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी है 24 सेंटीमीटर बाबू, ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर। एंड बी सी कितना है बाबू, 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। ए भाई तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो किसका, तो देखो साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी कॉस सी, यानी एंगल एक बार एंगल ए से और एक बार एंगल सी से हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो देख लेते बनाते कैसे इसको। ऐसे देखो भाई सॉल्यूशन में चलेंगे, बोर्ड में जानते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग उसका घूमेगा तो बस एंगल को चेंज कर देगा। बाकी यहाँ का क्वेश्चन बहुत, बोर्ड में इसका क्वेश्चन बहुत ईजी बनता है, सिर्फ फार्मूला याद है तो इसका क्वेश्चन कभी रुकने वाला नहीं है। अगर फार्मूला याद नहीं है, जैसे इससे पहले का जो फार्मूला था, तब तो फिर बहुत दिक्कत है भाई। इसलिए फार्मूला एनी हाउ याद कर लेना होगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। अब भाई एक चीज और, फार्मूला ये याद तो करना पड़ी, क्या है साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई, बस ये तीन याद रखी ना, तीन एस तीन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीन याद रखिए। और बाकी तीन ये साइन का रेसिप्रोकल, यानी जस्ट अपोजिट, कॉसेक कॉसेक का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। बस बस इसको खाली पलट देना, ये तीन याद है, बाकी को पलट दो आराम से हो जाएगा, मेन यही तीन है। तो याद कैसे करते हैं, देखो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, यानी पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। कुछ लोग ऐसा ट्रिक से याद कर लेते हैं,
कैसे याद करते हैं? पंडित पी फोर परपेंडिकुलर, पी फोर पंडित, बी फोर भोला, पी फोर प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। एक पंडित जी थे, उसका नाम था भोला प्रसाद। वो क्या, वो हर हर बम नहाते समय हर हर बम बोलते थे, तो वही तो बोल रहे थे क्या, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। बस ये तीन याद रखिए एक ट्रिक से, बाकी सब रेसिप्रोकल है, तो ये याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं है तो भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आई होप वो आपको याद भी हो गया होगा, पंडित भोला प्रसाद बम बम नहाते समय बम बम कर रहे थे, तो बस याद रखो। अभी ठंडा भी है भाई, जब ठंडा लगता है ना लगता है कि ऐसा करते हैं लोग, तो थोड़ा सा गुनगुनाते हैं क्या, हर हर बम करके गुनगुनाते भी है, तो तुम लोग गुनगुनाना स्टार्ट कर देना सुबह सुबह नहाते समय। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। क्या है सॉल्यूशन? त्रिभुज एबीसी में जिसका बीक समकोण है और एबी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो पूछा है साइन ए। तो पहले देख लो, याद रखिएगा जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे सबसे पहले तीनों साइड्स का मेजरमेंट निकाल लीजिए, दू दिया होती सका निकाल लो, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो सॉल्यूशन में चलेंगे, गिवन क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, इन ट्रेंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर और क्या है बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यही बात पे एसी फाइंड कर लो। इसलिए क्या करेंगे, पाइथा क्योंकि समकोण है ना, पाइथा गोरस प्रमेय से, क्या है पाइथागोरस प्रमेय भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय यही ने कहा था कि भाई एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। भाई एसी तो फाइंड ही करना है, तो चलो फाइंड ही कर लो, बीसी कितना है, बीसी सॉरी एबी, एबी 24 यानी 24 का होल स्क्वायर और बीसी कितना है 7 का होल स्क्वायर। इसका जानते हो वैल्यू क्या होता है, 576, क्या होता है 24 के स्क्वायर क्या होता है 576, और इसका क्या होता है, इसको जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 625, जब इसको रूट यानी किसका वर्ग होता है 25, यानी ये कितना आ गया भाई 25 सेंटीमीटर आ तो गया। अब इसी बात पर हो जाए फाइंड, अब इतना तो फाइंड कर लिए, अब हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड जो करना है ये देखो, नहीं सॉरी ये देखो, ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट साइन ए इज इक्वल टू, भाई देखो साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, एंगल कहाँ बोला है भाई, यहां से बात किया है, यहीं से ना बात किया है, तो आपको पता है पी पी लंब यहां है, यानी लंब किसको होगा, न्यून कोण के जस्ट सामने के भुजा को लंब बोलते हैं, तो यहां पर लंब क्या होगा बीसी होगा, और एच यानी कर्ण तुम्हारा क्या है एसी है। अब देखो ना बीसी का वैल्यू कितना फाइंड किया है 7, और एसी कितना है भाई अभी अभी तो फाइंड किया है, हो गया आंसर ठीक है। अब दूसरा इसमें दूसरा देख लो, दूसरा क्या है कॉस ए, क्या है कॉस ए क्या होता है बी बाई एच, यानी संलग्न भुजा बटा क्या कर्ण, संलग्न भुजा तो आपका क्या है यानी क्या है बी बाई एच होता है, तो बी आप किसको लीजिएगा ए बी को लीजिएगा क्योंकि एंगल तो यहां पर है, तो ए बी बाई क्या होगा ए सी होगा, और यानी ये कितना लेंथ है ए बी का जी 24 है, और ए सी कितना है 25 हो गया, तो कॉस बी बाई एच हो गया। अब आते हैं इसका, ये दोनों हो गया, फर्स्ट का ए बी हो गया, इसको हटा दो, इसको भागो यहां से, अब इसका बी बी दोनों निकाल लिए। अब हम लोग आते हैं जानते हो किसमें, इसमें सेकेंड वाला में, ए सेकेंड वाला में, ए भाई सेकेंड वाला में देखो ना क्या पूछ दिया ये साइन सी, एंगल कहां ले गया भाई, अरे वाह अब की एंगल यहां पहुंचा दिया, तो अब क्या होता है साइन सी पूछा है, तो साइन सी एंगल तो यहां पी बाई एच, अब तो पी क्या होगा यानी न्यून कोण के सामने की भुजा, यानी ए बी क्या होगा ए बी बाई क्या होगा ए सी पी बाई एच, यानी
अब पी क्या है यहां पर, ए बी कितना है 24/25 हो गया। अब इसी का ए हो गया और इसका बी देख लो क्या है, कॉस सी हो गया। अब कॉस सी क्या होता है, बी बाई एच। बी कौन होगा, संगलन भुजा ना, संगलन भुजा यानी आधार, आधार यानी बीसी होगा, बेस बटा कितना आपका बीसी बाई कितना एसी, और भाई बीसी कितना है 7, और एसी अभी फाइंड क्या किए थे हम लोग 25। यही देखो, यही तो मेरे पास रिजल्ट आ गया, यही तो हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था, यही तो हो गया फाइंड। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, मजा भी आया होगा। देखो इसी टाइप का, बस ज्यादा वो कंफ्यूज नहीं कर सकता, एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए ना, बाकी सब तो क्वेश्चन यू बन जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक में, एक क्वेश्चन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपका बुक में भी है, सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कुछ नहीं है भाई, यहाँ तो पाइथागोरस लगाए हैं, दो भुजा का लंबाई पता था, तीसरा निकाल दिए और बाकी फार्मूला हमने मेरा काम कर दिया, जो बचा था वो फार्मूला तो काम कर दिया अपना, और इसलिए बोले थे फार्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब आते हैं 8.1 से लिया गया है। बहुत देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम एक दिए हैं क्या, सेक थीटा का वैल्यू 13/12 यानी 13/12, यहाँ और कुछ भी दे सकता है आपको, कुछ भी दे सकता है, बस जैसे इसको बना रहे ना सिर्फ वैसे ही बनाइएगा, बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ ये याद कीजिएगा कि दो भुजा का लेंथ दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालेंगे और बस फॉर्मूला पर सेट कर दो, मेरा काम फाइनल। देखो बनाते कैसे है, तो भाई देखो 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 ओए देखो सॉल्यूशन में चलेंगे, क्या है भाई गिवन, क्या है गिवन, तो यही था ना गिवन, यानी दिया हुआ क्या है sec थीटा, क्या है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। अच्छा sec थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है, cos के, cos का रिलेशन नहीं याद पड़ रहा है, नहीं याद पड़ रहा है, तो cos थीटा का रिलेशन क्या होता है, b by h होता है, cos थीटा किसके साथ होता है, cos थीटा हो जाता है क्या b by h, और आपको पता है sec क्या है, रेसिप्रोकल h by b। तो भाई क्या करते हैं, हेयर हेयर क्या लेते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा यानी ए आपका जस्ट सेक थीटा क्या हो जाएगा यहां पर एच बाय बी। तो एच किसके साथ कंपेयर करेंगे, 13 के साथ, थोड़ा सा इसको हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है, एच हो गया 13। अच्छा रेशियो है ना, तो रेशियो लेने के लिए हम एट रैंडम रेशियो ऐसे नहीं लेते हैं, हम इसको क्या करेंगे, एक कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू के लिखेंगे, इज इक्वल टू के करके हम लोग करते हैं। तो और क्या होता है, क्योंकि रेशियो का केस है, बी कितना होगा 12 के हो जाएगा। चलिए एच बाई बी, दो भुजा तो है क्या, दो भुजा तो हम कर लिए, तीसरा भुजा निकाल लो, तीसरा भुजा कौन घट रहा है, पी भाई पी घट रहा है, इसलिए क्या होगा, अब पी क्या होता है लंब, यानी लंब हमको घट रहा है, कर्ण दिया हुआ, एच का मतलब कर्ण, बी का मतलब आधार, यानी कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ये आप किसको क्या बोलते हैं, ये आपका कर्ण है और ये आपका क्या है, आधार है। अब बच कौन गया, लंब, पाइथागोरस कहा के लिए लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय एक बार फिर से देख लेते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो एच 13 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी कितना तो फाइंड ही करना है भाई, पी स्क्वायर, बी कितना है 12 का स्क्वायर, 12 के का होल स्क्वायर यानी कितना 169, भाई 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, इसको इधर ले आए, -144 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करके बढ़ा दो, तो इसको आगे करेगा तो क्या होगा, अंडर रूट 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी, अंडर रूट में तो बता दो पी का वैल्यू कितना आ गया, 5 की आ गया, यानी तीनों फाइंड कर लिए। अरे वाह, यही तो तीनों हम लोग को करना था, बच्चा खोसा सब, अब सब हो जाएगा। अब देख लो यहां तीनों तो फाइंड कर लिए, अब फिर फॉर्मूला पर आते हैं, क्या है भाई साइन ए फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है कॉस, फिर
मैन। भाई क्या होता है पंडित भोला प्रसाद, पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला, पी फॉर प्रसाद, हर हर बम, यही तो होता है फॉर्मूला। अब देख लो पी कितना, पी अभी भी कैलकुलेट किए हैं कितना 5k, एच कितना, एच 13k, 13k से के खत्म, 5/13 बेस। बी बी कहाँ है, बी है बी बी 12k, 12k, एच क्या है अभी, एच 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 कहाँ गया, ए भाई एच यहाँ देखो यहाँ 13k, ए भाई हो गया 12/ कितना 13। आपको पता भी है ना कि सेक्ट क्या होता है कॉस रेसिप्रोकल, यहाँ पर 13/12 है तो पलट दो एक बार, 12/13 हो गया 10, क्या होता है पी बाई बी, पी बाई बी, पी ए पी किधर है बोलो जल्दी, यहाँ है पी, यानी 5k, बी कितना है 12k, 12k, के से के खत्म, 5 हो गया। 3 तो निकालिए, सब कहा था तो 3 निकालिए, तो क्या रह गया कोसेक रह गया, क्या रह गया कोसेक। ए भाई आपको अच्छे से पता है रेसिप्रोकल होता है एच बाई क्या होगा पी, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कितना गया 13/5। ए भाई सेक तो था ये था, एगो रह गया क्या कॉट रह गया, तो कॉट थीटा किसका होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो भाई कितना होगा बी बाई पी, यानी 12/, अरे वाह हमने सभी फाइंड कर लिया, 6 में से एक दिया हुआ था मैंने 5 निकाल लिया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। जानते हैं बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, हार्डली पूछेगा तो जानते हो क्या इसको चेंज कर देगा, मन करेगा क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, और कहेगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सब तो ऐसे ही करना है कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके देखो ज्यादा टेंशन होकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा इजी कोई भी मैथ में इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फार्मूला पर बेस्ड है, फार्मूला याद है नो डाउट आपको कोई रोक नहीं सकता इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से, अगर नहीं तो भाई दिक्कत है। अब मेन फार्मूला इससे पीछे था, इस क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था उसके पहले जो बताए वो था, याद रखिएगा फार्मूला बार बार रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अरे वाह बेहतरीन क्वेश्चन है, कहो तो अभी तो लॉकडाउन है पता नहीं ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन लॉकडाउन से पहले अगर लॉकडाउन नहीं होता 2 साल जैसा हम लोग का बीता, ठीक है, जिस वे में बीता हम लोग का, अगर एक सिस्टमेटिक पहले जैसा चलता तो अगर पिछले साल अगर नहीं क्वेश्चन पूछता, जैसे अगर बात कर सब सिस्टमेटिक चल रहा है, अगर 2000 मान लो सिस्टमेटिक अच्छे चल रहा है, 2021 में क्वेश्चन 22 में नहीं पूछा, 23 में तो इसको कोई रोक नहीं सकता था, ठीक है, इसलिए क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी उसी से रिलेटेड है, वेब 3 साइड से रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्या फेमस है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार क्या बोर्ड में आ चुका है, तो और ऐसे भी हम लोग वही क्वेश्चन को यहाँ लेकर के आए हैं, हम जो वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसी व्यू से हम क्वेश्चन भी लेके आए, तो आप लोग भी बैठ के सॉल्व कीजिए फटाफट, आप कॉपी किताब लेकर बैठे ही होंगे, किताब की आवश्यकता भी नहीं, कॉपी तो हैगा, कॉपी लेकर बैठिए, और आप कोशिश कीजिए आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी हम बताते हैं, अभी जल्दी से मेरे से जल्दी आप सॉल्व करके दिखाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत ही 2 क्वेश्चन हमने कर दिया, ठीक है, इसी से और वही दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड एक तीसरा भी है, थोड़ा सा अलग है और कुछ भी नहीं है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, एक त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज किसमें PQR में जिसका क्यू क्या है समकोण है, भाई देखो एक त्रिभुज लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि बोल दिया है जो PQR में जिसका क्यू क्या है समकोण है, ठीक है, और क्या है पहले सॉल्यूशन में चलते हैं, हम चलिए लेते हैं जो दिया है उसको कर ही लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ रहा है, क्या नहीं लिखेंगे, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है भाई PR, देखो कितना चतुर है क्वेश्चन और देने वाला है कि 2 भुजा का सम वैल्यू दे दिया, 2 भुजा का जोड़ इतना दे दिया, क्या जरूरत पड़ा था 3 अलग अलग दे देता तीजी हो जाता, लेकिन इसको देखो क्वेश्चन है ना कुछ भी कर सकता है क्या, हाँ ये तो बढ़िया है, PQ का वैल्यू कितना 5 है, लेकिन ये गड़बड़ा है, ये दोनों का सम है 25, ये गड़बड़ा है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है भाई,
साइन पी कॉस पी टेन पी, टेन पी अच्छे सुनाई दे रहा ना, टेन पी यानी एंगल किससे, इससे रख रहा है, ठीक है, इसको न्यून कोण माना है। चलिए करते हैं लेट, फाइंड क्या करना है, लेट हम ये क्या कर लेते हैं, किसी को एक्स मान लो, नहीं मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ो नहीं ये मानते हैं हम भी डायरेक्ट ही बना देते हैं, क्यों टेंशन लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से हम पी आर का किसी एक का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 25 माइनस क्या क्यू आर हो जाएगा ना, इतना हो गया। अब तो पक्का हो गया कि पी आर का वैल्यू है, पी क्यू का वैल्यू है, पी आर का वैल्यू तुम्हारा जितना ले लिए, पी क्यू गया रह गया क्यू आर, तो भाई दो भुजा तो अब मिल गया ना, दो भुजा तो हो गया ना, हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर कितना है, पी आर है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर है, क्यू आर तो फाइंड करना होगा, ठीक है, आगे स्क्वायर सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर 225 माइनस 2ab यानी 2 a के जगह पर 25 यानी 50 और b के जगह पर qr है प्लस b स्क्वायर यानी q का स्क्वायर, qr स्क्वायर हो गया 25 प्लस कितना qr का स्क्वायर, देखो a स्क्वायर खत्म, यहां से तुम्हारा रिजल्ट क्या आ गया, तो 625 माइनस 25 ये माइनस आएगा, माइनस 25 इज इक्वल टू तुम्हारा 50 माइनस है तो जाएगा तो प्लस में आ गया, यानी कितना 600 बटा कितना 50 इज इक्वल टू क्यू आर, कितने बार में जीरो से जीरो खत्म, 12 पचे 60 यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना आ गया 12, तो पी आर कितना आएगा, चलिए एक और लेते हैं पेज लेते हैं हम, तो पी आर कितना, इसलिए पी आर कितना होगा, क्या था पी आर एक बार देख लेते हैं पीछे, पी आर क्या था 25 माइनस क्यू आर था और क्यू आर का वैल्यू 12 है, यानी कितना 25 माइनस क्यू आर, और अभी अभी इसका वैल्यू फाइंड क्या किए थे 12 सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, हमने तीनों भुजा का लंबाई मालूम कर लिया। अब कहते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्या पूछा था, क्या पूछा है, साइन पी कॉस पी और टेन पी, साइन पी एंगल यहां पर है तो साइन पी, तो फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट साइन पी क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच होता है, पी बाई एच, तो पी बाई एच होता है, तो पी बताओ परपेंडिकुलर यानी न्यून कोण के सम्मुख भुजा यानी क्यू आर, यानी क्यू आर बाई क्या होगा, यानी पी बाई एच होता ना, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं करेगा, तो क्या होगा क्यू आर बाई पी आर होगा, एक बार देख लो यहां पी बाई ए हो गया पी, क्योंकि यहां से एंगल है, ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका एच, तो क्या होगा पी बाई एच, अब इसका पी का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर है और एच कितना फाइंड किए भाई, एच 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 पी आर है, पी आर अभी 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 किए हैं, यहां देखो पी आर यहां पर है, तो कितना होगा 12 बटा यानी होगा 12 बटा 13 हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या बोला है, कॉस पी, तो कॉस पी क्या होगा, सेकेंड में ही ना बोला है, सेकेंड में बोला है कॉस, वही ठीक, कहां से आ गया, बी बाई एच होता है, अब यहां देखो बी संगलन भुजा, बी क्या होगा पी क्यू, पी क्यू बाई पी आर हो जाएगा, यानी पी क्यू बाई पी आर, और पी क्यू कितना निकालो, तो 5 तक गिवन था, अब पी आर कितना निकालो 13 हो गया, निकल गया। अब एक लास्ट था क्या, थर्ड टेन पी क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी यानी पी यहां पर क्या है, देखो ना यहाँ क्यू आर है, क्यू आर है, बी क्या है
पी क्यू है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, अब पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, हो तो गया। यही तो हम लोग को फाइंड करना था, हो गया। देखे इसमें क्या किए हम, सबसे पहले देखो पहले भी वही कॉन्सेप्ट था, तीनों भुजा का लेंथ फाइंड कर दिए, इसके बाद हम लोग फार्मूला पर अरेंज कर दिए और बाकी कुछ भी नहीं था। तो हम लोग क्या किए, जैसे कि डिफिनेशन बता रहा था, क्या क्या डिफिनेशन बताया था कि तीनों भुजाओं का मापन, तो हम लोग तो मापन तो कर रहे हैं ना अभी तक, जितने भी क्वेश्चन आए क्या करें हम लोग, जितने भी त्रिभुज में जितने सारे भुजा आते हैं सारे भुजा को क्या कर रहे हैं माप रहे हैं, तो डिफिनेशन भी तो यही बोला था। तो अब आते हैं भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इस वर्ष के लिए भी, ए बी बी आई मार लो, आ सकता है क्वेश्चन। देखो क्या है, आकृति है टैन पी माइनस कोट आर, टैन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है, तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट ही आ जाते हैं, क्या पूछा है टैन, अच्छा ये वहां तो एक गिवन दे दिया, गिवन को ऐसा करते हैं लिख लेते हैं अच्छा रहेगा, इन ट्रेंगल पी क्यू आर कितना है, पी आर कितना है, पी आर ज्यादा मत सुनना, पी आर 13 सेंटीमीटर, फिर पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ए भाई क्यू आर नहीं मालूम है, क्यू आर निकालो ना, क्यू आर इसलिए क्यू आर निकालो, कैसे निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्यू आर ये तो फाइंड करना है, और फाइंड क्या करना है अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा, देख लो एक बार, हो सकता है फाइंड नहीं करना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, टेन पी माइनस कॉट आर देख लेते हैं एक बार, टेन पी नहीं फाइंड तो करना पड़ेगा शायद, देख लेते हैं टेन पी, टेन पी यहाँ पर एंगल, हालांकि कुछ फिगर दिया तो कुछ मतलब तो होगा, ऐसा करते वैल्यू भी फाइंड करते, डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो ऐसा करते हैं वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, नहीं भी करते तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन देख लो दिया है वैल्यू तो हम भी यूज कर ही लेते हैं, तो फिर क्या पाइथा ए कहाँ चल जा रहा है, क्या पाइथा गोरस ए ए गोरस प्रमेसी, फिर से क्या होगा डायरेक्ट यूज करते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ए तो फाइंड करना है, पी आर कितना है, पी आर 13 का स्क्वायर 169, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, ए कहां से आ गया जी, ये कहां चला गया, यानी 169 माइनस 144 क्यू आर का स्क्वायर घटाइएगा तो कितना होगा 25 रूट क्यू आर, यानी क्यू आर कितना आ गया 5, क्यू आर निकाल दिए 5 सेंटीमीटर निकल गया, निकाल दिए। अब हमसे क्या पूछा था, अब हमसे यही ना पूछा है, पूछा यही है, दिखा दे रहे हैं क्या पूछा था, टैन पी, तो टैन पी माइनस कॉट आर, देखो भाई टैन पी एंगल यहां पर है, तो टैन पी क्या होता है पी बाई बी, टैन थीटा क्या होता है पी बाई बी, पी बाई बी पी, तो क्या होगा क्यू आर पी हो गया, क्योंकि सामने एक भुजा पी बाई बी, अब बी क्या होगा पी क्यू, ए और कॉट, अब यहां ओ सॉरी माइनस है ना, माइनस कॉट आर, अब आर यहां पर पहुंच गया, यहां पर आ गया एंगल, यहां पर आ गया, तो क्या होता है कॉट आर दिख रहा है ना, तो क्या होता है जस्ट प्लॉट दो बी बाई क्या होता है पी होता है इसका फॉर्मूला, जब एंगल यहां पर है तो बी क्या हो जाएगा बी 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 क्यू आर क्यू आर, वाह वाह वाह, और क्या होगा भाई पी पी कौन सा होगा भाई सामने की भुजा पी क्यू, देखिए इसलिए बोले थे ना हम कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो दिया हुआ फिगर है तो कोई कुछ काम से दिया होगा, इसलिए ऐसे हम सॉल्व कर, क्या डायरेक्ट जीरो नहीं आएगा क्या, डायरेक्ट अगर वैल्यू हम इवेलुएट नहीं करते फिर भी आ जाता जीरो, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर मान लीजिए कि वन नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ही कर दीजिएगा ज्यादा बेटर है, क्यों इतना लंबा चौड़ा करना है, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ गया थोड़ा प्रोसेस में आएगा, क्योंकि कुछ अगर फिगर दिया हुआ तो हो सकता है कुछ आपसे जानना चाह रहा है तो कर सकते हैं, क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू आपका कितना फाइंड किया क्यू आर 5, यानी कितना 5 बटा कितना पी क्यू कितना पी क्यू ए पी क्यू 12 माइनस क्यू आर कितना क्यू आर यहां भी 5 है और पी क्यू भी 5 है भाई,
ये तो जीरो हो गया, घटा देंगे जीरो हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना कुछ ये फाइंड किए हुए भी, जैसे क्वेश्चन फिगर दे दिया था तो उस मकसद से हम आगे भी सॉल्व कर दिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भाई वाह त्रिकोणमितीय संबंध, ये कुछ फॉर्मूला है, अभी कुछ देर पहले बताए थे क्या क्या कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल युग साइन भी कह सकते हैं, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और सेक का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो स्वाभाविक सी बात है अगर हम बात करते हैं, अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, साइन थीटा है यहाँ पर, कोसेक को लिख सकते हैं तो साइन थीटा लिख, साइन थीटा और कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, सॉरी कोसेक तो है ही भाई, कोसेक तो है ही, इसको कोसेक लिख क्या सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, ए और ए क्या हो जाए कैंसिल, क्या वैल्यू वन। उसी प्रकार कॉस है, सेक को लिख सकते हैं वन बाई कॉस, सॉल्व करेंगे तो वन। तो एक छोटा सा क्या है, ए फार्मूला है, ए फार्मूला याद कर लीजिएगा। और फिर एक क्या है, टेन का भी फार्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी याद रखिएगा। एक कुछ स्पेशल फार्मूला है, इस फार्मूला को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले जो एक्सरसाइज होंगे वो एक्सरसाइज में हमारे लिए, आपके लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे आने वाला जो चैप्टर्स होंगे, जो एक्सरसाइज होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इस फार्मूला का यूज होगा। तो याद रखिएगा इस फार्मूला को अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये तो हटाइए बाद में करते हैं। हाँ भाई, ये टेबल, ए टेबल यानी सभी टिग्नो यानी त्रिकोणमितीय सारणी, सारणी मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर क्या वैल्यू होगा, वो चीज यहां पर दर्शाया गया है इस सारणी में, इस टेबल में। जैसे हम कुछ बताते हैं, समझाते हैं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, 30 है, 40, ये सब एंगल्स है। तो कहता है साइन थीटा, अगर थीटा 0 हो, साइन थीटा क्या हो, अगर एंगल यहां पर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। अगर यहां पर साइन 30 या थीटा का वैल्यू 30 हो जाए, उसका वैल्यू 1 बाई 2 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 45 हो जाएगा तो साइन 45 का वैल्यू, वैल्यू 60 हो जाएगा तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। फिर अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से क्या, कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर थीटा का वैल्यू 30 हो जाए तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है। 45, अगर थीटा का वैल्यू 45 हो जाए तो कॉस 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है। अब 60 डिग्री हो जाए तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2, अगर ये 90 हो जाए तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। उसी तरह से क्या किया गया, टेबल बनाया गया। तो ये टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग को तो स्टार्ट ही किए हैं, आने वाला जो एक्सरसाइज जो भी होंगे, क्वेश्चंस होंगे, चाहे फिर जो अनुप्रयोग की बात कर रहे थे, क्योंकि जो क्या थे, एक व्यक्ति जो थे, व्यक्ति के मतलब कौन थे, पहचान में तो ये रहा होगा उस समय नहीं, तो अगर वहाँ अगर अनुप्रयोग को जाना है कि त्रिकोणमिति का हम लोग डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, उसका अनुप्रयोग क्या है, तो भाई ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये टेबल याद नहीं है तो उसका भी क्वेश्चन चला जाएगा। अब आपको पता है वो एक्सरसाइज हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में अक्सर उस एक्सरसाइज से, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स में जरूर पूछे जाते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से अगर सोचिएगा तो जरूर याद होगा। देखिए कैसे याद करते हैं, देखो एक तो 0 1/2 ऐसा जा रहा है, और एक इसका कॉस क्या है, जस्ट अपोजिट हो रहा है, यहाँ 1 लास्ट हुआ था, 1 से स्टार्ट हो गया। देखिए एक बार ऐसे बढ़ा तो एक बार ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे क्यों बढ़ा, फिर एक बार लास्ट ऐसे स्टार्ट कर रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर याद कर लीजिएगा। तो ये जो क्या है, ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे हो पॉसिबल वो याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये। तो आई होप आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, ये भी क्या है, त्रिकोणमिति, ये क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण जानते हैं किसे कहते हैं, थोड़ी सी बात बता दे रहे, पूरक कोण, क्योंकि मन में कुछ स्टूडेंट का शंका भी रहता है, पूरक कोण किसे कहते हैं। देखो पूरक कोण क्या होता है, समझा देते हैं पूरक कोण, हालांकि ये 9th से रिलेटेड है, जानना क्या होता है। यदि दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल क्या हो, 90 डिग्री हो,
यदि दो कोणों का फल क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है भाई? पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण, हाँ, दो कोणों का एक फल क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। अब भाई हम लोग जैसे कि जान रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वन शॉर्ट में हम लोग टोटल ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी कर रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सारा चीज का प्रूफ भी होता है, आपको बुक में अवेलेबल भी है, लेकिन हम लोग की थोड़ी सी क्या, वन शॉट में वीडियो को कंप्लीट भी करना है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लेकर के हम आपके समक्ष हैं यहाँ। हम उसका कोई प्रूफिंग में नहीं है। अगर प्रूफ करना हो, ज़्यादा जानने की इच्छा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। अगर प्रूफ करने का ज़्यादा, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रूफ हो जाना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ हमें जानने की आवश्यकता है, तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसका प्रूफ भी कर देंगे आपको। तो हम लोग वीडियो को शॉर्ट टर्म में, वन शॉट में निपटा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला ही क्या कर रहे हैं, सिर्फ फार्मूला एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आप लोग को क्या है। साइन 30, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बहुत सिंपल है, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। तो ये बहुत सारे, बहुत इजी है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को भी आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, सरस समीका, त्रिकोणमिति सरस समीका। इसमें क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे। क्या फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सेकेंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या हम यू कह ले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और थर्ड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या हम ये भी कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यानी यही तीन आइडेंटिटीज है, यही तीन सर्व समीका है, जिसके सहारे हम लोग क्या करेंगे, 8.4 हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्चुअली होता है क्या है, क्योंकि अभी तक एक्सरसाइज 8.1 में देखें, 8.1 में क्या देखें कि वो जितने सारे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आए थे, सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड थे। अब एक्सरसाइज 8.2 की बात करें तो एंगल से रिलेटेड है, 3 की बात करें तो आपका पूरा कोण से रिलेटेड है, लेकिन एक्सरसाइज 8.4 है ये त्रिकोणमितीय समीका से रिलेटेड है। यानी जो त्रिकोणमितीय समीका, यानी तीन फॉर्मूला, मतलब एक्सरसाइज 8.4 होगा, यही तीनों फॉर्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम 8.4 से पहले बात करें तो जितने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने सारे वहाँ, क्योंकि वहाँ इजी होंगे, लेकिन हमेशा स्टूडेंट के मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि सर 8.4 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मेन है वो आइडेंटिटीज कैसे इस्तेमाल करें सर कि वो क्वेश्चन सॉल्व इजी वे में हो जाए, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट के मन में रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के सारे हम लोग यहाँ के 8.4 का जो क्वेश्चन है, हम लोग वहाँ इस सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यही सर्व समीका से का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि इस सर्व समीका का यूज से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि याद है क्या होता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू प्रूव करना होता है सेक ए प्लस टेन ए। अब इसमें क्या है, आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग को क्या करना है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना होता है। यानी इस अध्याय में, इस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या करना है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पाते हैं। तो क्वेश्चन तो हम लोग 8.1 का जो भी इंपॉर्टेंट था वो तो कर चुके थे, एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो सारे चलिए हम लोग वो सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 इसको इरेज कर लेते हैं,
एक्सरसाइज 2.1 8.2 से क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन उठा रहे हैं क्या क्वेश्चन, मान लीजिए क्या है देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8.2 से करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन क्या है, यहां क्या है एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस एंगल पर वैल्यू क्या होता है, जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। मतलब यही क्या फॉर्मूला, यही आपका वैल्यू का यूज करके हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए क्या है काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन होगा देखिए क्या हैगा, जैसे क्या है क्वेश्चन, 2 tan² बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60°। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 tan यानी tan 45° का वैल्यू क्या होता है, अभी बताया कुछ देर पहले बताए थे 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या होगा cos 30° का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30° का वैल्यू होता है √3/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, माइनस sin 60° का वैल्यू क्या होता है तो √3/2 होता है इसका भी होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, दैट मींस का वैल्यू क्या होगा 2, यानी a और a क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस है, तो फाइनली आंसर क्या हो गया 2 हो गया आंसर है। देखिए इसमें क्या किए हम लोग, वैल्यू को याद रखे थे और वैल्यू को सिर्फ क्या किए हम लोग इसमें रखे तो हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है कुछ इस cos 45° प्लस डिवाइडेड बाय sec 30° प्लस cos 30°। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं, हाँ देखिए, तो देखिए अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे क्या जाने कि cos 45° का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। तो क्या करेंगे यहां पर इसका वैल्यू रखेंगे क्या होगा 1/√2 डिवाइडेड बाई अभी sec 30 का वैल्यू यानी cos 30° का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, तो इसको जस्ट पलट दो तो कितना होगा 2/√3 हो गया प्लस अब cosec 30° का वैल्यू, तो cosec जो 30° का वैल्यू होगा वो क्या होगा भाई सबसे पहले जान लेते हैं कि sin 30° का वैल्यू क्या होता है, तो sin 30° का वैल्यू क्या होता है 1/2 sin 30° का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो जस्ट इसको प्लट दो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है 2/1। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं इसके बाद यहां देख लेते हैं, इसके बाद यहां पर आ जाइए क्या होगा 1/√2 अब इसको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम होगा क्या √3 आपका एलसीएम हो जाएगा, फिर क्या होगा तो 2 + 2√3 अब इसको ऊपर ले जाइए तो ऊपर ले जाइएगा तो रिजल्ट क्या होगा एक बार ध्यान से देख लीजिए यहां कि 1/√2 और कितना होगा 1 हो जाएगा √3 बटा कितना होगा 2 + 2√3 हो गया। अब क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा √3 अब √2 × 2 क्योंकि √2 से दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना होगा 2√2 हो गया, चलिए हो गया। फिर क्या फिर √2 से इसमें तो कितना होगा तो 2 तो √2 × √3 कितना होगा √6 हो गया, यानी अभी आंसर नहीं है अभी और सॉल्व होगा, सॉल्व क्या होगा इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, क्या कर दीजिए रेशनलाइज कीजिए, तो रेशनलाइज कीजिएगा एक बार फिर से लिख दे रहे हैं क्या था √3 / कितना था एक बार देख लेते हैं 2√2 + 2√6 2√2 + 2√6 यानी 2√2 + 2√6 था, यही ना था, देखिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था 2√2 + कितना था 2√6। अब आते हैं इसको क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखना है इसको, तो 2√2 - 2√6 / 2√2 - 2√6 अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा मल्टीप्लाई कीजिए यानी √3 यानी 2√ कितना हो जाएगा
सिक्स होगा, यानी रूट थ्री इंटू रूट टू कितना रूट सिक्स हो गया। फिर यहाँ ये माइनस टू रूट थ्री और यहाँ कितना रूट सिक्स इंटू रूट थ्री कितना रूट एटीन हो गया डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, a आपका क्या है a और ये क्या है b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टू रूट टू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू रूट सिक्स का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, देखिए क्या होगा टू रूट सिक्स माइनस एटीन, एटीन को क्या होगा क्या लिख सकते हैं टू, क्या एटीन को लिख सकते हैं थ्री रूट टू, यानी देखिए रूट एटीन को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या होगा थ्री इंटू थ्री इंटू तीन तीन नौ दुनी अठारह, तो ये थ्री बाहर आ जाएगा क्योंकि इसको तो थ्री रूट टू हो गया, यानी रूट एटीन का वैल्यू क्या होगा थ्री रूट टू होगा और पहले से टू है तो कितना होगा आपका हो जाएगा आपका होगा कितना यानी सिक्स रूट टू, सिक्स रूट टू डिवाइडेड बाय अब टू का स्क्वायर फोर, फोर और रूट टू का स्क्वायर टू, यानी फोर इंटू टू कितना होगा एट हो गया। फिर माइनस फिर यहां पर ये टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर और रूट सिक्स का स्क्वायर कितना होगा सिक्स, यानी कितना सिक्स इंटू फोर क्या होगा ट्वेंटी फोर, देख लीजिए टू का स्क्वायर कितना होगा फोर हो गया और रूट सिक्स का स्क्वायर कितना हो गया आपका सिक्स हो गया, यानी सिक्स इंटू फोर क्या हो गया ट्वेंटी फोर। अब क्या कर लीजिए कॉमन निकाल लीजिए, तो टू कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ क्या होगा रूट सिक्स माइनस रूट टू थ्री रूट टू डिवाइडेड बाय आठ में से कितना होगा यानी कितना होगा माइनस सोलह, घटाएंगे तो कितने बार में आठ बार में क्या होगा कैंसिल, यानी हो जाएगा इस माइनस को ऊपर दे दीजिए तो कितना होगा थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स बाई कितना एट, यही हम लोग का क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। बहुत सिंपल वे में क्या मेरे यहाँ अलजेब्रिक कैलकुलेशन था, इसको हम क्या किए सॉल्व किए। तो क्या है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है। अब इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछता है और वो क्वेश्चन क्या है जस्ट अब यहां आने वाले हैं, वो क्वेश्चन है क्या देखते हैं जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्या है यदि यदि क्वेश्चन क्या बहुत अच्छे से देखिएगा, यदि यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री और tan a माइनस बी इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री, और क्या है साथ में दिया हुआ है जो a प्लस जो b का वैल्यू होगा वो जीरो से ग्रेटर और 90 डिग्री के बराबर और छोटा, और एक चीज और दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यहां पर जो a और जो b का वैल्यू होगा यानी a का वैल्यू क्या होगा b से ग्रेटर होगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है a और b का क्या करना है a और b का मान ज्ञात करें। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सरसाइज से लिया गया है, इससे थोड़ा सा मतलब इसी का जैसा एक एग्जांपल में भी है साइन को साइन के जैसा, मतलब या जो टैन है वहां पर साइन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी एक बार क्या कर लीजिएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो क्योंकि दोनों का दोनों क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे ए भी क्या है बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में, तो हो सकता है कि इस आगामी जो एग्जाम परीक्षा है उसमें भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं समझते हैं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा कैसे। तो क्या है एक बार अच्छे समझते हैं, यदि tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट थ्री, क्या है tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट थ्री है, ठीक है, और tan a माइनस b का वैल्यू कितना है वन बाय रूट थ्री है। अब यहां पर समझते हैं थोड़े बच्चे लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन, सर ये क्या कह रहा है, तो सुनिए एक क्या है तो गिवन है,
अब इससे इसको दोनों को सॉल्व करके ए और जो बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, ए और बी का जो वैल्यू फाइंड करेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे, उस ए और जो बी का वैल्यू जो फाइंड होगा अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा क्या आना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो भी नहीं, जीरो से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री या 90 भी आ सकता है, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन यहां भी लगा दिया कि यहां पर जो ए और बी का जो वैल्यू आएगा वो ए का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, बी से। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या सही है, क्या कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं, क्या ए का वैल्यू बी से ग्रेटर आता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन ही बताएगा। चलिए आते हैं सॉल्यूशन में, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है भाई, क्या है दिया हुआ, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, रूट थ्री है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, आप बताइए क्योंकि यह tan है, tan के किस एंगल पर वैल्यू, tan के किस एंगल पर वैल्यू रूट थ्री होता है, सोचिए क्या होता है, tan 60 डिग्री के पास, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री होता है, क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री होता है। अब इससे मान लेंगे, अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री हो गया, ठीक है, इसको हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ, पुनः और क्या है, ऑल्सो क्या दिया हुआ था, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का वैल्यू क्या है, 1/, अब की में रूट थ्री है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहां, tan जैसे इसको सॉल्व किए थे सेम इसी को, इसी तरह से इसको भी सॉल्व कीजिए, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब बताइए किस एंगल पर वैल्यू 1/√3 होता है, tan के लिए और किसी के लिए नहीं, क्योंकि यह tan है, तो tan क्या होता है, tan 1/√3, तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री पर, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री, इसको इक्वेशन मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण को यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, अभी जोड़े हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2a का वैल्यू कितना होगा, 90, तो a का वैल्यू कितना होगा, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी 90/2 इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना निकाल लिए, 45। अब क्या निकालना है, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी को एक का यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर लेते हैं, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, फ्रॉम यानी समीकरण किससे, समीकरण 2 से, क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या होगा, a माइनस बी क्या है, 30 डिग्री है, a माइनस बी क्या है, 30 डिग्री। अब अभी भी देख लो a का वैल्यू क्या निकाले हैं, a माइनस बी 30 डिग्री है, a का वैल्यू कितना निकाले हैं, 45, यहां 45 रखो, तो 45 माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या कर लो, इसको इधर ले आओ, तो 45 माइनस 30 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, यानी b का वैल्यू कितना आया, 15 डिग्री आ गया, इसलिए a का वैल्यू कितना, a का मान कितना आया, 45 डिग्री और b का मान कितना आया, 15 डिग्री। यही तो हम लोग को क्या हो गया, यही आंसर है। अब देखते हैं कंडीशन जो कहा था वो कंडीशन को अच्छे से वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, तो क्या है, क्या कहा था, देखिए यहां जो a का वैल्यू होना चाहिए
बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए तो है क्या, जी हाँ, ए का जो वैल्यू है 45 है, बी का वैल्यू कितना है 15, तो बड़ा है। अब दूसरी बात क्या बोला था, दूसरी बात यहां ए बोला था कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 और 90, 0 और 90 के बीच में है, 90 के बराबर आना चाहिए। तो देख लेते क्या है, दोनों को जोड़ते तो 60 ही आ रहे हैं, 45 और 15 60, तो भाई बीच में तो है, तो यही हम लोग का क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसा कीजिएगा उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यानी एक्सरसाइज 8.2 से, 8.2 से एक ए क्वेश्चन और एक डिफरेंट, मतलब क्या आपको एंगल दिया और आपको उस एंगल पर वैल्यू रख करके और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर, यानी इस एक्सरसाइज में हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन देखे, अब दो टाइप का है ही, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा तो कुछ ज्यादा मार्क्स होगा, अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स में होगा तो क्वेश्चन कैसा होगा, वही इस एंगल पर वैल्यू ए है या इस साइन 45 डिग्री है तो उसका वैल्यू रखिए, और मतलब उस टाइप का क्वेश्चन, और लास्ट में सोल्यूशन कर लीजिए, अलजेब्रा सॉल्व कर लीजिए, आंसर होगा। तो हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.3 में। अब एक्सरसाइज 8.3 में कौन कौन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के लिए हम क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए अब उस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन, दो तीन जो क्वेश्चन होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या अब वो सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नहीं, हम तो पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में तो ट्रिग्नोमेट्री से, तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत ईजी होंगे, बहुत ईजी वे में बनेंगे, सिवाय एक थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा क्या, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 8.4, क्योंकि उसमें सर्व समीका का यूज करना है, तो उसकी उसका आने दीजिए, बस कुछ देर बाद उसका क्वेश्चन लेकर के आएंगे और देखते हैं कि भाई है क्या उसका भी। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 8.3 की ओर, 8.3 की ओर अब आते हैं, यानी एक्सरसाइज 8.3। अब देखते हैं 8.3 में कौन कौन क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई जो भी क्वेश्चन से हम आपके सामने रखने वाले हैं वो बोर्ड में बहुत टाइम्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और पता ही बोर्ड का नियम ही है क्या, घुमा फिर आकर के क्वेश्चन को क्या करता है भाई, कि एनसीईआरटी तो बेस्ट है, एनसीईआरटी जब बेस्ट है तो एनसीईआरटी में ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स है नहीं, उसी के सब क्या है, उसी को क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिले, 2-4-5 क्वेश्चन है उसी में से, कभी उसको क्वेश्चन कभी इसको क्वेश्चन घुमाते फिराते रहते हैं, तो ऐसा करते सारा जो क्वेश्चन आते हैं उसको कर ही डालते हैं, ठीक है, और वो भी इंपॉर्टेंट ही है, वही सब आएगा। देखो इस वर्ष जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले पूछ चुका है, अलग से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 8.3 की ओर आते हैं। अब एक्सरसाइज 8.3 में कौन कौन सा क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए यहां यहां पर हम पढ़े क्या थे, 8.3 में हम क्या क्या पढ़े थे, 8.3 में हम इसका थ्योरी क्या क्या देखे थे, क्या क्या देखे क्या थे भाई, पूरा कोण से रिलेटेड देखे थे, फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, साइन फॉर्मूला था क्या, एक बार हम फिर से रिपीट यहां लिख दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन समझने में इजी हो, क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दूसरा क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा था, और थर्ड क्या था, टैन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा था, फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या था, टैन थीटा था, फिर पांचवा नंबर में क्या था, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या था, सेक थीटा था, और फिर एक सिक्स था क्या, कि सेक 90 माइनस थीटा जो क्या था, कोसेक थीटा, यानी एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला की क्या है हम लोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर, और अभी जो जो एक दो क्वेश्चन शुरुआत में करने वाले हैं वो क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी एक नंबर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें भी
एक से ज्यादा भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव यहां से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्या होता है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको दे देगा साइन 18 डिग्री बाई क्या होगा, माने साइन 18 डिग्री बाई क्या होगा, कॉस 72 डिग्री। एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो अब देखते हैं इसका वैल्यू होगा क्या, बहुत इजी वे में इसी का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, साइन को जैसे है वैसे बने रहने दीजिए, क्या करेंगे हम, अच्छा बताइए 90 में से साइन 90 में से कितना डिग्री, साइन 90 में से कितना डिग्री, 18, साइन तो साइन रहने दीजिए, 18 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए ना साइन जैसे वैसे रहने दीजिए, इसमें आप क्या करेंगे किसी एक को चेंज करेंगे फॉर्मूला पर, तो साइन को साइन रहने दीजिए, 18 डिग्री है, 18 डिग्री का 90 में से क्या करेंगे 72 डिग्री करेंगे, तो घटाएंगे तो 18 डिग्री होगा कि नहीं, हाँ होगा भाई, तो कर दिए। और सेकेंड को नहीं करेंगे, कॉस 72 डिग्री जैसे वैसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, या थीटा के जगह पर क्या है 72 डिग्री, तो क्या होगा यहां से कॉस 72 डिग्री हो गया, और बाई कितना यहां भी कॉस 72 डिग्री हो गया। अब दोनों क्या करेंगे, वैल्यू तो सेम है, क्या हो गया 1 हो गया आंसर, देख रहे ना कितना इजी क्वेश्चन था। हम क्या किए, दोनों में से किसी एक को, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, तो हम क्या किए साइन को चेंज किए, साइन जैसे वैसे रहने दिए, 18 डिग्री को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला चाहिए हमको 90 से कंपेयर करना था, तो 90 में से 90 डिग्री में कितना हम घटाएं कि 18 होगा, तो 72 किए तो आ गया। अब फिर इसके बाद हम क्या किए, फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, क्या फॉर्मूला, साइन 90 माइनस जो थीटा होता है क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर क्या यहां 72 है, 72 कर दिए, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया, आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, अब एक सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा सा वेट मिनट, अब देखिए बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ जाता है। सब देखो ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मान लो कि आपकी क्या किया cos 48 डिग्री, क्या है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, क्या है cos 48 डिग्री माइनस क्या है sin 42 डिग्री। अब यही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को, दोनों को नहीं, किसी एक को चेंज करेंगे, तो देखो क्या करते हैं, एक को चेंज करते हैं, तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो अब क्या करते हैं कॉस को जैसे कॉस है रहने दीजिए, अब हम 90 से कंपेयर करेंगे, 90 में से कितना एंगल घटाएंगे कितना आएगा, तो भाई 42 डिग्री, अगर 90 में से 42 घटा दे तो क्या आएगा 48 डिग्री होगा, माइनस आप इसको जैसे वैसे रहने दो, आराम से रहने दो इसको। अब फिर क्या कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी थीटा के जगह पर कितना है 42 डिग्री है, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब की देखिए घटाए है ना, घटाओ है ना, तो जब घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगा 0, कोई दिक्कत। तो ये जो क्वेश्चंस हैं क्या होंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे यहाँ, ठीक है। एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस क्या है यहाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक लेते हैं, थर्ड क्या है देखिए, थर्ड में क्या है, थोड़ा सा प्रोडक्ट के लिए आते हैं, क्या है टेन 48 डिग्री इंटू क्या होगा टेन 23 डिग्री इंटू, देखिए इस जितने सारे क्वेश्चन अभी देखिए इसमें क्या किए, डिवीजन में कोसेंट में था, ये क्या था माइनस में था, बीच में माइनस थे, अब की जो कर रहे हैं क्या में कर रहे हैं प्रोडक्ट में कर रहे हैं, तो क्या होगा टेन देखिए 42 डिग्री और कितना है टेन 67 डिग्री, यानी अब इसका वैल्यू फाइंड करना है किसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं यहां देखिए फिर वही बात, आपकी चार आ गया, दो को चेंज करेंगे, आपकी यहां दो था तो एक को चेंज किया, चार है तो दो को चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे
टेन 90 में से कितना घटाएं कि 48,000, तो 42 डिग्री। इसको भी चेंज कर दिए, टेन 90 में से कितना घटाएं कि 23 आएगा, तो 67 डिग्री घटाएंगे तो हो जाएगा भाई, सही बात है। अब इन दोनों का जैसे है वैसे इसको उतार दीजिए, उतार भी दिए। अब यहां पर देखो सॉल्व करो, टेन 90 माइनस थीटा कॉट हो गया, फिर यहां पर कॉट 67 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। अब याद कीजिए कुछ देर पहले ही कुछ फार्मूला दिए थे, क्या फार्मूला थे याद है? या देखिए फार्मूला यहां क्या था, कुछ ऐसा कि भाई कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, किए थे। फिर क्या किए थे, एक और फार्मूला किए थे ना, ये दो याद है ना फार्मूला, फार्मूला क्या था कि कॉट थीटा कैसे किए थे कि कॉट थीटा है इसको आप लिख सकते हैं 1/10 थीटा, अब ए और कैंसिल, सॉरी कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा लिख सकते हैं, इसको हटाओ नहीं आ गया, तो क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा ए और क्या होगा कैंसिल वैल्यू 1। अब उसी प्रकार देखो तो इसका कहां जोड़ा, ये देखो यहां है इसका जोड़ा एंगल सेम, और इसका जोड़ा कहां है, देखो यहां है, देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1, तो फाइनली आंसर कितना होगा 1 होगा, फाइनली आंसर इसका क्या होगा 1 1। तो देखिए हम लोग क्या किए, 3 क्वेश्चन लिए और तीनों डिफरेंट था, देख लो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को भी देख लो और एक क्वेश्चन को देख लो, ये जो क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव में आए होंगे, ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होंगे। अब इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो क्या है इंपॉर्टेंट, देखो यहां से इंपॉर्टेंट में क्या है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या है, यदि क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ और भी जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, क्या है a माइनस 18 डिग्री है, क्या है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां ये जो 2a क्या है न्यून कोण है, जहां 2a क्या है न्यून कोण है, जहां 2a एक क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, तो जानते हो क्या करना है, जब न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, तो क्या करना है, तो a का मान ज्ञात करें। देखो भाई देख लो यहां क्या क्वेश्चन, फिर से समझ लेते हैं क्या है, यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो और यहां पर सबसे इंपोर्टेंट 2a क्या है न्यून कोण, और न्यून कोण जानते हैं क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, यानी कुल मिलाकर 90 डिग्री से कम होगा, तो यहां पर क्या होगा जो 2a है 90 डिग्री से कम होगा, तो चलिए यूज कर लेते हैं, तो आएंगे क्या सॉल्यूशन में आएंगे, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, a आपको दिया हुआ है। अब यहां पर 2a क्या है न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं 90 डिग्री से कम, तो भाई यूज कर लो ना, तो क्या करेंगे कुछ ऐसा, ओए क्या हो गया ये, तो क्या करते हैं अब इसका यूज कर लेते हैं, तो इसको ऐसा कर ले कि फार्मूला पर इसको अप्लाई भी कर दे, मतलब भी मेरे को कहावत कहा गया सांप भी मर जा लाठी भी ना टूटे, तो वही बात है, इसको हम चेंज भी कर ले और इसको जब सॉल्व करे तो इसी के फॉर्म में आ जाए, तो देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, देखो तो इसको न्यून कोण पे भी उतार दिए और जब cot 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो tan थीटा यानी थीटा तो 2a है, यानी इसको चेंज भी कर दिए और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ गया, यानी यही कहावत है सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा, यानी मेरा काम हो गया, क्योंकि देखो यार cot 90 माइनस 2a, 2a न्यून कोण था तो 90 में से एक 2a को घटा दिए हो गया। अब cot क्यों लगाए, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि cot 90 माइनस 2a क्या होगा tan 2a होगा, तो देखो काम कर दिए।
अब इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब भाई कॉट कॉट तो गया, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब अरेंज करो एक साथ, a 18 है इधर आएगा तो प्लस में 90 प्लस कितना 18 बराबर a प्लस कितना 2a, एक बार सॉल्व कर दो, 90 और 18 कितना 108 और कितना a प्लस a 2a यानी a प्लस 2a कितना होगा 3a, 3 को यहां ले आएंगे 8 कितने बार में होगा काट दो 3 3i 9 और 3 6 18 यानी a का वैल्यू कितना 36 डिग्री। यानी हमसे क्या पूछा था, a का मान ज्ञात करें, a का मान आ गया, कोई दिक्कत? तो ये क्या है क्वेश्चन, ए इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन और भी एक्सरसाइज में होंगे, तो सारे सारे जो भी क्वेश्चन इस टाइप से हैं सारे क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वन शॉट में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं टोटल क्वेश्चन को लेकर के नहीं आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वही सारे क्वेश्चन को हम यहाँ क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, जानते हैं इस वर्ष ट्रिग्नोमेट्री से जितना सारा क्वेश्चन आएगा एक भी छूटना नहीं चाहिए, सबसे पहले कि हाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या क्वेश्चन है, देखते के साथ फटाफट फटाफट इतना ही रिवीजन कर लेना है कि सर तो बताए थे इसका आंसर है, याद कर लेना आंसर को, इससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है ये सब। अब ये तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये बहुत बार क्वेश्चन क्या है भाई पूछा है क्या, यदि क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन का है लेकिन पूछा हुआ बहुत बार है, यदि tan a इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू cot b, क्या है यदि tan इज इक्वल टू cot b तो क्या करना है, तो सीध कीजिए, तो सीध कीजिए कीजिए कि ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में आएंगे क्या है भाई, फिर वही बात जो पिछले बार किए थे, टेन इज इक्वल टू क्या है कॉट बी, ये क्या है दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हो गया। अब फिर वही बात अप्लाई कर दो, क्या कॉट 90 माइनस ए, क्योंकि कॉट 90 माइनस ए क्या होता है टैन ए होता है ना, तो टैन ए को इसको लिख सकते हैं ऐसे इज इक्वल टू कॉट बी, फिर से क्या होगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, इसका एंगल इसका एंगल, अब इस एक उधर ले जाओ 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, भाई यही तो करना था, बहुत लंबा क्वेश्चन था, क्या हो गया प्रूव्ड, यही तो सीध करना था, साबित कर दिए हम, हो गया क्वेश्चन, तो क्या ये भी क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन हाँ 8.3 एक क्वेश्चन से बताएं, एक क्वेश्चन इससे पहले बताएं जो कि यहाँ दिख रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ देखो ये बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन बुक में भी और भी है, सारे क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग आ रहे हैं जिसका डर था, अक्सर स्टूडेंट को बहुत डर आता है, जो एक्सरसाइज 8.4 वो अक्सर स्टूडेंट को डर आता है, बहुत सारे कंफ्यूजन मन होता है, इसका प्रूफ तो होता ही नहीं है क्योंकि इसमें LHS इज इक्वल टू RHS वाला प्रूफ है, यानी इसमें करना क्या है LHS और RHS दोनों गिवन है दिया रहेगा, प्रूफ करना है कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS होगा। और हम बात कर लें तो इस यानी एक्सरसाइज 8.4 का अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जानते हैं 4 से 5 ही है, और 4 से 5 में से एक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानते क्या है, देखिए यहाँ क्या फर्स्ट हम बता दे रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद एक्सरसाइज 8.4 का पांचवा का क्या है ये 6 नंबर है, जानते क्या है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए बोर्ड में तो इतने बार पूछ दिया है, हमको लगता है कि एक बार मान लो कि एक ईयर पूछा तो सेकेंड ईयर, अगर तो सेकेंड ईयर उसको गैप, थर्ड ईयर फिर पूछ देगा, मतलब एक साल बीच करके एक करीब करीब आ ही गया है। तो भाई दो साल तो कोविड ने हमें लिए डूबा, तो हो सकता है इस वर्ष के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ लग भी रहा है कि हो सकता है आप ये आ जाए क्योंकि इसको छोड़ता नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ होगा कैसे। देखो आते हैं फ्रॉम LHS से, किसे LHS से, LHS तो ये जानते हो क्यों इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट से यही सुनते हैं ना सर रूट है, बड़ी डर लगता है रूट से। अरे रूट से डरने का नहीं जी, सामना करने का, क्योंकि रूट का, रूट हटाने का सबसे जानते हैं जोरदार कौन हटा सकता है, रूट जानते हो किससे डरता है, स्क्वायर से, स्क्वायर ला दो रूट अपने आप हट जाएगा। तो हम भी क्या करने वाले हैं, रूट तो सबसे पहले हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर लाएंगे, हॉल स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसको चेंज कर लेंगे तो हॉल स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हॉल स्क्वायर आएगा कैसे, तो कैसे आता है, रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइज करो ना, तो क्या करेंगे इसको यही बात पर रेशनलाइज कर दो, कैसे रेशनलाइज, वन प्लस साइन ए, खाली साइन अपोजिट होता है, वन प्लस साइन ए, देखो तो माइनस था प्लस प्लस कर दिए, साइन अपोजिट रेशनलाइजेशन में होता है, सभी को पता ही होगा नाइन्थ क्लास में जो पढ़े रेशनलाइजेशन। अब देखो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए क्या होगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है भाई क्या होता है, जो यहां देख लो क्या होता है, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कितना, वन के स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर ए का क्या होगा, साइन स्क्वायर तो है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, आइडेंटिटी फॉर्मूला। हम तो बोले थे ना कि इस एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमिका, जहां तीन फार्मूला हम लोग देखे थे, ठीक है। तो वही तीन फार्मूला आ गया ना, क्या था हम लोग क्या देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, वन। अब सुनो ना, इसको इधर भगा दो तो क्या होगा, या फिर हाँ आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो तो यही ना है, तो लिखो ना जल्दी से कॉस स्क्वायर थीटा, हम लिख दिए, इसको मिटा दो, अब इसको मिटा दो, इसको मिटा दो देखो मिटा दिए अब। अब देखो तो यहाँ हॉल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए, सॉरी ये थीटा नहीं है, ए है ना, का हॉल स्क्वायर आ गया, इसका तोड़ किसका, रूट का तोड़, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो देखो यहाँ रिजल्ट क्या आने वाला है, वन प्लस साइन ए बाई किस, कॉस ए, अलग अलग सेपरेट कर दो, इसके बाद यहाँ बाबू स्पेस के भाव से ऐसा किए हैं, इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, अलग अलग तो सेपरेट कर सकते हैं, वन बाई कॉस ए फार्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है, sec a, और sin a by cos a क्या होता है, फॉर्मूला जाने हैं क्या होता है, tan a, देखो तो प्रूफ करना यही था ना, हो गया प्रूफ आराम से, उड़ा दिए गर्दा। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा मजेदार, क्योंकि बोर्ड के व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये अच्छे समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है, जैसा कि आप लोगों को पता ही, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब आते हैं सेकेंड में, क्या है सेकेंड, देखो यहां पर कुछ ऐसे क्लियर। अब इसका क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं, देखो यहां पर जितने सारे क्वेश्चन है
सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1-2 टाइम पूछे हुए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेनी टाइम्स क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है हम लोग को प्रूफ करना है, क्या 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। चलिए इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। आप LHS से भी आ सकते हैं, RHS से भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाँ एक चीज आप हमेशा बता दे रहे हैं, वो तो रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन था, जैसे रूट का क्वेश्चन था, तो रूट का टोल किसके पास था, होल स्क्वायर के पास, और होल स्क्वायर के लिए हम लोग क्या किए, रेशनलाइजेशन किए, रेशनलाइज किए। लेकिन इसके पास अब इसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़ करके जितनी क्वेश्चन होंगे इस अध्याय में, इस चैप्टर में, जानते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ही रूल अप्लाई करेंगे, जानते हो क्या, अच्छे से याद रखना, अगर साइन और कॉस के रिलेशन में अगर पहले से अगर दिया हुआ है, मैंने साइन और कॉस के रिलेशन में अगर पहले से LHS या RHS दिया हुआ है जिससे आप चल रहे हैं, तब तो ठीक है डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। अगर साइन और कॉस के अलावा किसी और के रिलेशन में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस के रिलेशन में लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला। जैसे यहां देखो किसके रिलेशन में, अगर हम LHS से आते हैं तो ठीक है, ये तो ऑलरेडी कॉस के रिलेशन में था, तो हम आ रहे हैं किससे, LHS से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, LHS से आ रहे हैं। LHS क्या है आपका, LHS यही ना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी बोले अगर साइन और कॉस के रिलेशन में है तब तो ठीक, और नहीं है तो सबसे पहले उसमें चेंज करो, सभी क्वेश्चन के लिए लागू हो गए, सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो यहां स्टूडेंट गलती क्या कर देंगे कि होल स्क्वायर पर पहले कर देंगे, तो हो सकता है सॉल्यूशन ज्यादा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तभी हम क्या बोले साइन और कॉस के रिलेशन में सबसे पहले इसको लिख डालिए, इसके बाद देखा जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो आते हैं यहां क्या करेंगे, 1 बाय साइन थीटा फॉर्मूला से माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का क्या करेंगे होल स्क्वायर। भाई कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है, अब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा होल स्क्वायर जैसे वैसे छोड़ दो, एलसीएम लिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर दे दो, अब होल स्क्वायर दो, थोड़ा इजी पड़ेगा, होल स्क्वायर दे रहे हैं तो क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी फिर यूज कर लेंगे, क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको जैसे वैसे रख लो, इसका आइडेंटिटी करो, तो क्या इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या कर लो, यहां देख लो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला कर लेते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए फॉर्मूला होता है, यूज कर लेते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर है तो दो बार लिख दे रहे हैं, तो 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है ना, तो दो बार लिख दिए, बट्टा ए प्लस बी, देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस cos थीटा और क्या होगा 1 प्लस cos थीटा। अब कुछ कट रहा है क्या, काटो ना जल्दी से भाई, ए और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, अब जब कैंसिल हो गया तो हम क्या करेंगे, भाई 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 इसको हटो यहाँ से, जब ये कैंसिल हो गया तो देखो रिजल्ट फाइनल मेरा मिल गया, रिजल्ट क्या निकला, ऊपर से बचा 1 माइनस cos थीटा, नीचे से क्या बच गया 1 प्लस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा बटा कितना 1 प्लस cos थीटा, देखिए तो
प्रूव करना था, आ गया इज इक्वल टू आर एच एस, हो गया प्रूव। देखें कितना सिंपल था। एक बार फिर समझ लेते हैं क्या किए हम, रूल क्या बताएं कि अगर साइन और कॉस के रिलेशन में है तब तो ठीक, नहीं है तो उसको उस रिलेशन में ला पढ़ लें। हमने क्या किया, वन बाई साइन थीटा, कॉस थीटा को साइन और कॉस थीटा फॉर्मूला अप्लाई करें। अभी स्क्वायर का कोई काम नहीं किया, एलसीएम ले लिए एलसीएम। अब देखो स्क्वायर को एंट्री दिए तो स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी टू टाइम्स हो गया साइन स्क्वायर। आइडेंटिटी यहाँ से यूज कर लिए, क्या आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे भाई यहाँ क्या था, क्या आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा था तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई हमने लिख दिया यहाँ भी। अब इसको तोड़ दिए किस पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर, जो कि क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ए और ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, ए बच गया, रिजल्ट आपका हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन था, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें हम क्या है, आइडेंटिटीज तो जोरदार ही, आइडेंटिटीज और सिंप्लीफिकेशन ए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आइडेंटिटीज कैसे यूज करते हैं और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अलजेब्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर ये दो चीज आपका स्ट्रांग है तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, वो 100% बन के आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां लेते हैं थर्ड। क्या है थर्ड, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है थर्ड नंबर, कि कॉस ए यानी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, थर्ड आ रहे हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन बाई साइन थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू टू सेक थीटा। ये हम लोग को करना है, ठीक है। ये तो हम लोग क्या करना है, ये भी प्रूफ करना है। तो चलिए जैसे अभी बताएं, अगर साइन और कॉस के रिलेशन में है तब तो ठीक, और नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे। तो देखो तो ये ऑलरेडी पहले से क्या है, साइन और कॉस के रिलेशन में है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिंप्लीफाई ही करेंगे। अब देखो एलएचएस, एलएचएस क्या है, कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा बाई क्या होगा, कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, पहले तो रिलेशन था ही, एलसीएम क्या होगा, वन प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। भाई एलसीएम ले लिए तो वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या बच गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब cos थीटा कैंसिल तो क्या बचेगा, 1 प्लस sin थीटा और मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 प्लस sin थीटा का आपका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से cos स्क्वायर थीटा तो हो गया प्लस, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 ही 1 का स्क्वायर तो 1, b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू वन करेंगे तो वन ही होगा, हो गया तोड़ दिए। अब इसको कुछ मत करना, जैसे वैसे रहने देना, छेड़छाड़ नो। अब देखो फिर से आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन और ए वन, यानी क्या हो गया, वन प्लस ए वन साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वन और ए वन, वन रहने दिए और रह क्या गया, टू साइन थीटा बाई कितना, वन प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। अब वन वन क्या होगा, टू, तो टू टू प्लस टू साइन थीटा बाई कितना, वन प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन, टू, तो क्या होगा, वन प्लस साइन थीटा, और नीचे भी दिख रहा होगा, वन प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा,
cos थीटा, ए और ये देखो क्या होगा कैंसिल, तो क्या बच गया 2 by cos थीटा। अब आपको पता है 2 by cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल 1 by cos थीटा क्या होता है sec थीटा। अरे वाह सॉल्व तो हो गया, यही तो प्रूव करना था, हो गया इज इक्वल टू ये हो गया RHS कंप्लीट। तो कोई भी कितना इजी था, कुछ करना है ही नहीं, यहां सबसे ज्यादा अलजेब्रा यूज हो गया। अलजेब्रिक जितनी कैलकुलेट दिख तो जरूर है साइन कॉस, लेकिन अलजेब्रा यहां काम कर रहा है क्योंकि भाई सिंप्लीफिकेशन है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एक रूप था ये, हालांकि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, हम जो भी क्वेश्चन यहां बता रहे हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, यहां एक क्वेश्चन नंबर क्या होगा 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan थीटा क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस क्या है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। जानते हो बाबू क्या प्रूव करना है, 1 प्लस sec थीटा इंटू बहुत sec थीटा इंटू cos sec थीटा। हालांकि बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा है ठीक है, लेकिन क्या गारंटी क्या भरोसा, चलिए इसको भी आज कर ही डालते हैं। तो आते हैं क्या है LHS इज इक्वल टू RHS, क्या करना है प्रूव करना है, क्या देख रहे हैं LHS क्या है tan थीटा भाई क्या है 1 माइनस cot थीटा और फिर प्लस cot थीटा अपॉन क्या है 1 माइनस tan थीटा, और प्रूफ क्या करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cos sec थीटा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं प्रूफ ही कर डालते हैं। देखो भाई कैसे हम प्रूफ करते हैं, ओके LHS, LHS तो आपका ये है, ये आते हैं LHS में। तो अभी हम क्या कुछ देर पहले ही बताए थे साइन कॉस के रिलेशन में है तब तो ठीक ठाक, नहीं तो चेंज करो उसको सबसे पहले। तो चेंज करते हो टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये देखो यहां वहां से 1 माइनस ये कहां आ गया, इसको भगाओ यहां से, ये यहां बीच में मत आ जाओ। 1 माइनस क्या होगा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा को तो लिख दिए, प्लस प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आराम से हम लिख सकते हैं। तो लिख डाले, अब हम तो लिख दिए, अब क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ी आराम से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा, इसलिए बहुत आराम से मजे से समझिएगा। देखिए क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई क्या करेंगे जब कॉस थीटा किए तो क्या करेंगे तो माइनस, अच्छा एलसीएम ले सकते हैं ना, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं 1, यहां एलसीएम क्या होगा साइन थीटा एलसीएम होगा, एलसीएम होगा तो यहां क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बीच में प्लस ए प्लस कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा यहां भी एलसीएम कॉस थीटा क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो आराम से एलसीएम लिए हैं, आराम से बिल्कुल कुछ नहीं किए भाई, सबको फॉर्मूला पर चेंज किए और आराम से एलसीएम कर लिए हैं। अब आगे सॉल्व करो, देखो पलट दो एक बार, क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा
इनटू, देखो इनटू क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, प्लस प्लस अब यहां जाओ इस स्टेप में क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया। अब इनटू इनटू क्या करेंगे, कॉस थीटा बाय कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, देखो यहां यहां होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए छोटा छोटा भी लिख दे। सॉल्व किए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से ऊपर ऊपर मल्टीप्लीकेशन देंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां पर आ जाओ, देखो यहां कॉस थीटा से मल्टीप्ली क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बड़ी प्यार से समझना बच्चों, प्लस देखो यहां साइन थीटा यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे आ जाओ, क्या है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो बहुत प्यार से समझना बच्चा इसको, क्योंकि इसमें ज्यादा है कैलकुलेशन, ठीक है, बिल्कुल यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां तक कोई डाउट कोई किंतु तो नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर एक चीज यहां नोटिस करो, क्या नोटिस करो, सब तो ठीक है क्योंकि यहां बीच में प्लस है, तो फिर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम लेने के लिए ए कॉस साइन, ये देखो डिस्टर्ब कर रहा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस का डिफरेंस है तो क्या करते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं ताकि एलसीएम लेने में इजी होगा, तो माइनस को इसी बात पर माइनस को कॉमन निकालो, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, देखो देखो माइनस कॉमन निकालिए तो माइनस निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा देखो साइन थीटा और क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों देखो यहां से देखो हम एक्चुअली यहां प्लस था, यहां माइनस कॉमन निकाले हैं, यहां माइनस कॉमन निकाले हैं, ठीक है, माइनस साइन निकाले माइनस सिर्फ माइनस निकाले हैं, तो यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो कि अब हम लोग आगे करते हैं, एक बार मिलाइए क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर से रिपीट कर देंगे ताकि समझने में इजी हो, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा है, अब यहां पर प्लस था और यहां पर क्या है कॉस स्क्वायर साइन थीटा था, और यहां क्या था माइनस कॉमन निकाले थे तो माइनस साइन थीटा था, और यहां जब माइनस कॉमन निकाले तो हो गया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब प्लस माइनस बच्चों माइनस होगा तो माइनस कर डालो, साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कितना होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो बच्चों कितना देख रहे हो कैसे सॉल्व हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इसमें क्या है कैलकुलेशन सबसे ज्यादा, और हमें लगता है कि एक्सरसाइज 8.4 का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन से ही होगा, ठीक है, बहुत बच्चे को मन में कंफ्यूज होता है इसलिए क्वेश्चन को उठाए हैं, कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ भी दिया है, तो जो भी डाउट है तो क्लियर करना ही है, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ना है एग्जाम के लिए, अगर क्वेश्चन पूछे या एक बार पूछा दो बार पूछा हो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगे उसको क्लियर बिल्कुल कर देना है, और यही पर्पस से हम क्या किए इस क्वेश्चन को उठाए हैं। तो अब देखो बाबू एलसीएम ले लो, अब एलसीएम क्या होगा, देखो एक तो एलसीएम होगा क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक चला गया ए, अब यहां से कॉस थीटा आ गया और यहां से जानते हो क्या हो गया साइन थीटा, इतना सारा एलसीएम आ गया। अब देखो
एलसीएम तो ले लिए बिल्कुल, ए पार्ट यानी ए टोटल कैंसिल, इतने से चला गया वन, बच क्या गया साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन क्यू थीटा। अब यहां देखो साइन थीटा और ए कैंसिल, तो बचेगा क्या कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यू थीटा, दिख रहे हैं ना। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला फिर से, काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं इसको, तो चलो यहां ब्रेक कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, एक जैसा कलर थोड़ा बोरिंग लग रहा है। ए माइनस बी, ए भाई देखो तो ए ए क्यू साइन थीटा का होल क्यू कॉस थीटा का होल क्यू, यानी ए के जगह पर क्या है साइन थीटा, बी के जगह पर क्या है कॉस थीटा, तो ए माइनस बी यानी हो गया क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी, ए बी क्या है ए तो साइन, यानी साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, देखो यहां ये तो हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू पर ब्रेक कर दिए, अब इसको कर दो यहां नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया और क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब देखो तो कुछ कट रहा है क्या, तो जी हाँ कट कट रहा है, कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ए और ए क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल, अब देखो इसका वैल्यू कितना वन, तो वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब अलग अलग इसको सेपरेट कर दो, अब हो गया बच्चों, अब ज्यादा टेंशन नहीं है, अब ज्यादा दूर नहीं है इसका आर एच एस, हो गया भाई हो गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अलग अलग सेपरेट कर दिए बच्चों, फिर क्या हो गया कैंसिल, क्या होगा वन, अब वन बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों सेक थीटा, और वन बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और सॉल्व करके आ गया, यही तो जरूरत था, देखा है बच्चों कितना की कितना लंबा सॉल्यूशन करना पड़ा इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन से कहीं बात नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, बनाया कैसे इसको देखो, जैसा क्वेश्चन क्या था टेन थीटा बाई क्या वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई वन माइनस टेन थीटा, या हम लोग का क्या था एक क्वेश्चन था, हम लोग को एल एच एस बराबर आर एच एस क्या करना था प्रूव करना था, तो जैसा हम बताए क्या थे साइन कॉस के रिलेशन में, तो ठीक अब नहीं है तो पहले उसको लाओ, तो हम क्या किए टेन थीटा को हम इस फॉर्म में लिख दिए, फिर कॉट थीटा को हम इस फॉर्म में लिख दिए, फिर इसके बाद क्या किए हम कॉट थीटा को इस फॉर्म में लिख दिए, फिर टेन थीटा को इसके फॉर्म में लिख दिए, फिर अब इसके बाद क्या कर दिए एलसीएम ऊपर जैसे था वैसे छोड़ दिए हम, नीचे क्या किए नीचे पार्ट का एलसीएम लिए, तो एलसीएम कितना हो गया साइन थीटा, एलसीएम कितना हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम, तो साइन थीटा माइनस क्या हो गया कॉस थीटा प्लस सेम यहां भी एलसीएम लिए तो रिजल्ट आया एलसीएम लिए, अब इसके बाद क्या किए हम पलट दिए साइन थीटा को ऊपर ले गए तो नीचे रह गया ये आ गया, यहां भी वही काम किए कॉस थीटा को पलट दिए तो ऐसा आ गया, अब क्या करते हैं ऊपर ऊपर मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ए आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ए आ गया, अब फिर से एलसीएम लेने की बीच में प्लस है प्लस की बात आ गई, फिर से एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेने में थोड़ा सा कठिनाई ये हो रही थी, यहां पर ए प्लस में और ए माइनस में है, ए आपका प्लस में और ए माइनस में, और यहां पर ए प्लस में और ए माइनस में है, तो क्या जस्ट ऑपोजिट दिख रहा है, तो हमने क्या किया माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कॉमन निकाले तो प्लस में आ गया माइनस में, प्लस और माइनस में तो था ही, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, अब यहां के बाद हम क्या किए देखिए यहां माइनस, तो ए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस,
बाकी जैसे वैसे फिर से क्या की एल्शियम ले लिए, तो एल्शियम टोटल एल्शियम यहां चला गया, ए ए और ए और ए हो गया। अब देखिएगा बच्चों, अब सॉल्व करना है, तो ये टोटल किसके बाद, ये टोटल लेके चला गया यानी वन हो गया, तो वन इंटू बच क्या गया साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। या अब यहां देख लो बच्चों कि ए टोटल ए साइन चला गया, रह क्या गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब हम क्या कर लिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, क्या होता है बच्चों ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो भाई बच्चों ए के जगह पर साइन थीटा, बी के जगह पर कॉस थीटा रख दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी हो गया, ए और ए कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन वन प्लस ए आ गया आ गया। अब अलग अलग हम सेपरेट कर दिए, बाकी सॉल्व कीजिए, आर एच एस हाजिर। देखा बच्चों ए क्या है, ये हमारे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये चार जो किए ये काफी क्या थे हमारे लिए, क्या थे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 8.4 का भी जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर लिए, आज हम लोग बिल्कुल क्लियर कर लिए। एक दो और क्वेश्चन बुक में और भी है, उसको एक बार आप लोग भी क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, अगर सॉल्व कीजिएगा, अगर ऐसा लगता है कि अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा तो फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन आप लोग को क्या सॉल्यूशन करके बता देंगे कि बच्चों देखो ऐसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो अगर जो समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, और फिर भी यह समझ में नहीं आया तो भी कह सकते हैं कि सर एक क्वेश्चन फिर से बता दीजिए क्योंकि नहीं समझ में आया। अगर कभी ऐसा मौका मिला तो एक वीडियो आपका डाउट के लिए भी चला सकते हैं, मतलब बिल्कुल 100% क्लियर कर देना है। जैसा इस जैसे इस बैच का नींव रखा गया था अचूक, मतलब कोई चूक नहीं होना चाहिए इस, क्योंकि बैच हम लोग क्या है, इस बैच का नाम क्या है जिसमें अभी अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, अचूक। अचूक का मतलब क्या, कोई चूक नहीं, मतलब इस बार हम लोग को बोर्ड एग्जाम में कोई चूक नहीं करना है, 100% क्या करना है फोर डालना है, ठीक है। तो 8.4 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो पढ़ना है एक्सरसाइज 9.1, वो क्या है त्रिकोणमितीय, जो भी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं उसका अनुप्रयोग कहां करें, मतलब उसका अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। जैसे हाइट, किसी भी टावर का हाइट, जैसे पहले हम लोग सबसे पहले जब स्टार्ट किए थे तो याद कीजिए आपके सर थे वो क्या थे, एक पेड़ के नीचे थे और टावर मापना टावर के हाइट मापना चाह रहे थे, मीनार पर थे, छत पर बिल्डिंग पर थे, बिल्डिंग से गाड़ी की गाड़ी कितने दूरी पर है वो मेजर करना चाह रहे थे। तो कुछ उस टाइप का प्रॉब्लम क्या 9.1 में लेकर के आएंगे, लेकिन अभी जो पढ़े 8.1 से लेकर 8.4 तक हम लोग क्या बेसिक क्वेश्चन जाने से, मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, मतलब फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है वो सीखे अभी तक। अब इसका अनुप्रयोग हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में पढ़ेंगे कि कैसे इसका यूज करते हैं, तो वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो वो उसका जो सेक्शन, उसका जो प्रॉब्लम्स, उसका कुछ डिफिनेशंस हैं, जैसे कुछ यूनियन कोण और नमन कोण के बारे में पढ़ना है, तो वो डिफिनेशन उसके सारे प्रॉब्लम तो हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो उसका एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे क्योंकि ये स्पेशल है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसलिए हम भी सोचे कि क्यों ना उसको क्या कर दिया गया ये सबसे अलग ही कर रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग क्या किए, हम उसको अलग ही रखे हैं, तो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो ही लेकर के आएंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग कैसे करते हैं, हम लोग कैसे हाइट फाइंड करेंगे, कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो उसका हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों तो आज का सेशन देखिए, तो क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं क्या कि जो बच्चे अभी अभी न्यू जुड़े हैं, जो आज ही क्लास स्टार्ट किए हैं, जो फर्स्ट आज मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, और जो कुछ भी आपको क्या चाहिए पीडीएफ चाहिए, जो भी अभी पढ़ाए हैं जो अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, और जब मैसेज कीजिएगा तो हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, और ग्रुप के माध्यम से आपको हर चीज़ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक, थैंक यू।